मेरा नाम विनोद कुमार है तथा 2005 से 6 तक इसी स्कूल में 6वीं 7वीं और 8वीं ठीक है वो परमात्मा के आशीर्वाद से तथा अपनी मेहनत से आज जिसे कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाना। तो आप सब ने अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है। तो एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ तो आपको समझ आएगी कि कैसे हम अपने पैरों पे खड़े हुए। एक बच्चा था तो उसे एक पत्थर मिल गया चमकने वाला, तो वो देखता है बच्चा उसके साथ खेलने लग गया। बच्चा क्या करने लग गया? खेलने लग गया बच्चा। वो चमकता था, खेलता खेलता उसकी मम्मी ने उसको कहा, ये देखो पत्थर चमक रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर में अनाज नहीं है, ये पत्थर को बेच दे और गेहूँ आटा लेके आ जाओ। तो वो जो यहाँ बेचने वाले होते हैं जिसके पास आटा होता है, ठीक है, उसकी शॉप पे चला गया। उसने कहा कि मेरी मम्मी कहती है ये पत्थर ले लो और आटा दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो दुकानदार कहता कि यार ये मैं पत्थर क्या करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे, पैसे। ये पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है हमारे घर एक दिन के खाने का भोजन भी नहीं है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर दया कर देते हैं। उसने वो पत्थर रख लिया, इसको देख लेते हैं कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का, चलो इसके बराबर हो गया। 100 ग्राम का बट्टा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100 ग्राम के बट्टे जितनी, 50 ग्राम की उसकी वैल्यू थी, 50 ग्राम और आ गया, उसके ऊपर रख दिया। तो आप वो कोई चीज़, चलो कोई जैसे होता है ना, कोई लौंग होते हैं वो तोलना है, इलायची तोलनी है, तो महंगी चीज़ें होती हैं, तो यह काम आ जाएगा। तो उसने उसको 1 किलो आटा दे दिया। तो पहले बच्चा खेल रहा था उसी जो चीज़ चमकने वाली से, वो एक 0 वैल्यू थी, अब उसकी कितनी वैल्यू हो गई? 20 रुपये। आज के डेट में गेहूँ के आटे की कितनी कीमत है? 20 रुपये। तो उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते थे, तो एक लेडीज उसके पास इलाचियाँ लेने आई, तो वो देखती है ये तो बहुत चमकने वाली चीज़ है, इसको मैंने शोकेस में रख दूँगी, इसमें रख दूँगी शोकेस में। तो उन्होंने कहा कि भैया इसकी क्या कीमत है? उसने सोचा इसको मैंने 1 किलो आटे में दिया है, इससे मैं 50 रुपये लेता हूँ। तो उसने लेडीज को कहा ये ना 50 रुपये की कीमत है इसकी है। तो वो लेडीज उससे वो पत्थर चमकने वाला कितने रुपये में ले गई? 50 रुपये में। तो उसने बहुत अच्छा था ना गुलदस्ता बना के फूलों का सुमेल रख दिया, तो रख दिया, लोग आते थे बहुत खुश होते थे। उसकी एक सहेली आई, उसने देखा ये तो पत्थर बहुत चमकने वाला है, उसने कहा कि मैं तेरी सहेली हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने कहा मैं ये 50 रुपये का लेके आई हूँ। तो चल वो कहते 100 रुपये में मेरे से ले ले। अब उस पत्थर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपया। तो वो उसने अपने घर में आई तो उसको अपने ड्राइंग रूम में जहाँ गेस्ट आते हैं वहाँ रख दिया। पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था उसके छोटे से घर में, अब गेस्ट रूम बहुत बड़ी हवेली में आ गया, वो 100 रुपये का पत्थर। तो कभी उसके फ्रेंड सर्कल में एक ज्वेलर थे, ठीक है, जिसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं, तो वो आए, उन्होंने देखा ये पत्थर इतनी दूर से चमक रहा है, उनके पास गई, ये तो डायमंड है, ये क्या है? डायमंड है। अरे ये आपके पास कैसे आया? इसकी वैल्यू पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की है, वो नूर का एक हीरा है, अभी भी वो यूके में है, जैसे भारत देश है ना ऐसे यूके में, उसकी कई बिलियन डॉलर कीमत है। ये पत्थर कहाँ से आया? उसने कहा मैंने ये 100 रुपये का खरीदा है। 100 रुपये का पत्थर खरीदा है? जो उसके पास पूछते हैं, तो वो अपनी सहेली के पास ले गई, तो उससे पूछा ये पत्थर आपके पास कैसे आया? ये मैंने 50 रुपये का खरीदा है। कितने का खरीदा है? 50 रुपये का। वो पत्थर 50 रुपये का आपके पास कैसे आया? वो दुकानदार के पास ले गई उसको, इसको गोल्ड स्मिथ को, जो हीरे मोतियों का व्यापार करता है। तो उसने जो थी दुकानदार, आपने ये पत्थर कहाँ से लिया? उसने कहा देखो भैया ऐसा है, एक बेचारा गरीब बच्चा था, वो खेल रहा था, वो कहता है ये मेरे को आटा नहीं है, मैंने उसको 20 रुपये के लिए इसको 50 रुपये में दे दिया। यानी उसकी कीमत आपने 20 रुपये रखी थी उस पत्थर की। तो उस बच्चे के पास गई, वो बच्चे के पास उसने कहा ये बच्चा है, वो कहता मेरे को ना गंदा होता ना, कितना गंदा सा चीज़ होती है, उसमें से ऐसे उठा लिया था मैंने वो ये पत्थर, ऐसे खेलने लग गया था। मम्मी कहती रोटी के पैसे कीमत ज़्यादा है, इसकी कोई कम है, इसको बेचो और रोटी खाओ। तो वो बहुत दुखी हो गया, वो ऐसे सोचता है, वो सोचता है कि देखो चीज़ वो डायमंड थी, कभी उसकी जीरो वैल्यू थी, डायमंड
थी, कभी जीरो वैल्यू थी, कभी 20 रुपए हुई, कभी 50 रुपए हुई, कभी 100 रुपए हुई। अलग अलग लोगों ने उसकी छोटी छोटी वैल्यू लगा दी, ठीक। तो अब उसकी अरबों रुपया डॉलर है, वो कब हुई है? जब अच्छे व्यक्ति के पास वो आया है। आप सभी पता क्या चीज हो बताओ? आप सभी डायमंड्स हो। क्या हो? अगर आप स्टडी नहीं करोगे ना, ये टीचर्स क्या हैं? गोल्ड स्मिथ हैं, जो आपका सही मूल्य बताएंगे। मैं जिंदगी में, मेरा 15 साल का कैरियर है एजुकेशन से संबंधित है, मुझे पता है कि मेरा जो विद्यार्थी है वो डायमंड्स है। उसने जज बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इस देश को उठाना है। इसको क्या करना है? उठाना है। आप में से बहुत सारे साइंटिस्ट बनेंगे, वो मुझे पता है। तो अगर आप ऐसे स्टडी नहीं करोगे ना, गटर में कहीं किसी के पास काम करोगे, 300 रुपये आपके लेबर देगा, चलो सुबह 7 बजे आ जाओ, चाय तो भांडे साफ करो, करते करते आप 9 बजे 10 बजे वो भेजेगा। सारी जिंदगी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर आपने टीचर्स का कहना नहीं माना। आपने डायमंड्स बनना है कि गटर के पत्थर बनना है? बताओ, डायमंड्स, क्योंकि उसकी वैल्यू बिलियंस डॉलर है। कितने लाख रुपए उसकी कीमत होती है, उससे भी कीमत ज़्यादा आपकी है। पर आपने वो बने वो कैसे है? अच्छे व्यक्तियों के पास आप जाइए, ठीक है। गाली नहीं निकालनी, गलत काम नहीं करने, झगड़ा नहीं करना, टीचर्स जैसे कहते हैं वैसे करना। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ही टीचर्स का कहना माना है, तो मुझे ये एहसास होता है कि उन्होंने मुझे, देखो एक डायमंड्स होता है ना, जब तक उसको उसकी खुदाई होती है, ठीक है, वो आपके एफर्ट्स हैं। वो क्या है? आपके एफर्ट्स। आपने खून पसीना लगा के नहीं, सुबह 7 बजे 15 मिनट पहले मैं स्कूल आऊँ। समय की कदर करनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए एक एक सेकंड कीमती है, उसकी वैल्यू जानो आप। हर सेकंड आपके लिए कीमती है, हर सेकंड। तो अगर आप टीचर से आप स्कूल में आओगे ना, वो एक टाइम पे आओगे, ठीक है, कोई काम डिले नहीं करोगे, होमवर्क, टीचर का जो दिल होता है ना, वो खुश हो जाता है। इस बच्चे को मैं ऐसा बना के दूंगा ना, दुनिया देखेगी ये बच्चे को मैंने बनाया। पर आपने मेहनत करनी है, उसके लिए योग्यता आपने पैदा करनी है। कहते हैं कि देखो हर कोई खटकाता है, यह टीचर अच्छा है कि नहीं है। ऐसे टीचर ना बच्चों को खटकाते हैं, यह बच्चा जो विद्यार्थी है जिसको मैंने ज्ञान देना है, ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप में कमियाँ होंगी, आप लेट आते होंगे, तो गलत है। पंक्चुअल बनो। क्या बनना है? पंक्चुअल बनने से क्या बनोगे? डायमंड्स, ठीक है। नंबर 2 पे हार्ड वर्क करो, दिल लगा के। ये नहीं देखना वहां से आए 8 घंटे हो गए स्कूल से, अब तो थक गए हैं, ठीक है। मम्मी कहेगी, उससे पहले आपको बहाना आ जाता, मम्मी मैं ये काम करूं, ठीक है, भांडे धो दूं, ये यहाँ जाऊं, क्यों? आपको बहाना चाहिए, इसलिए आपको काम मिलता है। अगर आप जाते जाओ, नहीं मम्मी मैं आपका काम भी करूंगी, पहले स्कूल का होमवर्क खत्म करूंगी, 1 घंटा 2 घंटे मैं लगाऊंगी, ठीक है। मुझे पता है मेरे टीचर्स ने मेरी अच्छी वैल्यू देनी है। माता पिता कभी बच्चों को अच्छी वैल्यू नहीं दे सकते, जो टीचर्स दे सकते हैं, ठीक है। जो इनका कहना है, इन्होंने कहना है, जो इनका होमवर्क है वो याद करके आओ, हार्ड वर्क करो, ठीक है। कभी कभी घर में काम कर लेते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कर लो, पर जब इतना 9 बजे आप सो जाए ना, सोना आपके नसीब में नहीं है। मुझे अभी अच्छी तरह से याद है कि जब तक मैं घर में काम करता था, आई एम मिडिल क्लास, तो हमने देख लिया कि मम्मी ने काम करा दिया 9 बजे तक, 9 बजे जाग लेना है, 9 से 12 बजे तक फिर स्टडी करनी है, फिर सुबह 4 बजे उठ जाना है। तो लाइफ में आप तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाओगे। एट ए टाइम में बहुत सी कंपनियां मेरे पास बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो उन टीचर्स का आशीर्वाद है, उन्होंने हमेशा ही मेरे को यही सलाह दी है, भैया विनोद कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड की आपकी कीमत है। नंबर 2 पे हार्डवर्क करना, ये नहीं देखना दिन और रात, टाइम और आपकी मेहनत। विद्यार्थी एक तपस्या करता है, आपने हमेशा ही तपस्या करनी है। तो 2 बातें आज मैंने की है, ठीक है। आपको डायमंड बनने के लिए एक टीचर्स का कहना मानिए, क्योंकि उनको पता है आप डायमंड हो, और किसी को नहीं पता उनके लिए आपकी क्या वैल्यू है। पत्थर से भी गलत वैल्यू है, उनको पता ही नहीं इनका यह दिमाग है। बच्चों का दिमाग बनाते हैं टीचर्स, क्योंकि उनका हमेशा कहना मानना है, ठीक है। तो 2 बातें कौन सी आपने याद रखनी है आज के लेक्चर में? नंबर 1, समय की कदर करनी है, ठीक है जी। पंक्चुअल बनना है, रोज पंक्चुअल। आज से एक हमने कसम खानी है कि जिंदगी में हमेशा ही मैं 15 मिनट अपनी घड़ी आगे रखूंगा, हर काम में 15 मिनट मैंने आगे जाना है।
देखो आपकी ज़िंदगी कैसी खुशहाल होती है। नंबर दो पे हार्ड वर्क करना है, उसमें मेहनत करनी, ये नहीं देखना कि रात हो गई है ना, आपके लिए नींद हराम है, आपके लिए मेहनत ही है। ये टाइम है देखो 10-15 साल, उसके बाद आप जो जाओगे सोते हो, अब मैं सो जाऊँ ना, मेरे पास मेरे अकाउंट में फंड अपने आप आ जाता है, मैं कोई काम ना करूँ, पर जो मैंने मेहनत की है, ना दिन देखा ना रात देखा, उसका फल है। तो आपने भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो कौन सी दो बातें हैं याद रखनी है, नंबर एक समय की कदर करनी है, कौन सी किसकी कदर करनी है, समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है, पंक्चुअल बनना है। दूसरी बात हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क, ये नहीं है कि ईंटे उठाते हो, ये हार्ड वर्क नहीं है, गलत दिमाग से चलाना है, नहीं, ये इसको मैं याद करता हूँ, परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी है, परमात्मा मुझे याद करने की शक्ति दे, शक्ति दे, अच्छी अच्छी चीज़ें याद करो। देखो ऐसे छुट्टियों से ये होगी, अगर प्रार्थना करोगे ना परमात्मा से मांगोगे, हे परमात्मा मेरे को अच्छी बुद्धि दे दो, तो आपको याद नहीं लग जाएगा, क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो दो चीज़ें हमेशा याद, ओके, थैंक यू।